पूजनीय संत जन, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं श्रद्धामती माता बहनों, हम सबके जीवन में दो प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। हमें जरूरतें हैं इन दोनों की। एक वह जो दिखाई देता है, दूसरा वह जो दिखाई नहीं देता, दृश्य और अदृश्य। आप लोग अपनी भाषा में कहते हैं विजुअल एंड इनविजुअल। जो दिखाई दे वह, उसकी जरूरत है हमें, लेकिन केवल वही नहीं, उसकी भी जरूरत है जो हमें दिखाई नहीं देती है। दिखाई देने वाली चीजों में क्या है, दृश्य क्या है, भोजन, कपड़े, मकान, गाड़ी, मोटर, मोबाइल और बहुत सारा सामान। आप घर में जाना और देखना क्या क्या दिखाई दे रही हैं। जरूरत है तब तो लाए हैं, जरूरत है तभी लाए हैं। तो वो सब क्या है, आपकी आवश्यकताएं, जरूरत है। और एक वह जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन जो दिखाई नहीं देती है इसका मतलब नहीं कि उसका पावर कम है या उसकी आवश्यकता कम है। उसकी आवश्यकता दिखाई देने वाली चीजों के बराबर है, बराबर है, कम नहीं है, बिल्कुल भी कम नहीं है। जैसे पेड़ दिखाई देता है, पेड़ की जड़ दिखाई देती है, लेकिन क्या उस जड़ की जरूरत नहीं है। मकान दिखाई देता है, मकान की नींव नहीं दिखाई देती, तो क्या मकान के लिए नींव की जरूरत नहीं है। आपको बल्ब दिखता है, पंखे दिखते हैं, तार दिखता है, लेकिन विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, वो दिखाई नहीं देती है। अच्छा, उसका पावर कम है क्या? पावर कम है इलेक्ट्रिसिटी की, विद्युत की। समझ रहे ना, क्या है जो नहीं दिखाई देती है। हमारे जीवन में इन दोनों की आवश्यकता है। क्या है वो जो दिखाई नहीं देने वाली चीजें हैं? वो है परस्पर का प्रेम, विश्वास, करुणा, सहयोग का भाव, सम्मान का भाव और क्षमा का भाव, धैर्य, सहनशीलता, मन की शांति। ये दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन क्या हम इसके बिना जिंदा रह सकते हैं? क्या लगता है? ईसा मसीह ने भी कहा है, यू कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रह सकते। केवल हमको भोजन मिले, सारी व्यवस्था हो और प्रेम न मिले, सम्मान न मिले, आपस की बातचीत न हो, तो कितनी देर तक रहेंगे? कल्पना करिए, एक मकान है, सभी सुविधाओं से संपन्न, सब कुछ है उसमें जो आपकी आवश्यकता है, लेकिन दूसरी बात, वहां कोई नहीं रहेगा, आप अकेले रहेंगे, आप अकेले, कोई नहीं, आप उस मकान में कितने दिन तक रह पाएंगे? ज्यादा नहीं है ना, कठिन। हम केवल भौतिक पदार्थों का संग्रह नहीं है, हम मानसिक जीव हैं। इस शरीर के अंदर कुछ है, कोई है जो जिसमें जीव, जिसमें मन है, भावना है। मैंने कहा ना, भावनात्मक जीव है, वो प्रभावित करता है हमको। इसलिए जैसे हम शरीर को खुराक देते हैं, शरीर को भोजन देते हैं, उसी प्रकार उस मानसिक जगत को, उस अंतस को भी खुराक की आवश्यकता होती है। शरीर को जब खुराक न मिले तो शरीर कमजोर हो जाता है, और जब अंतस को खुराक न मिले, मन को
खुराक न मिले वो भी कमजोर हो जाता है, वो भी बीमार पड़ जाता है। शरीर जब कमजोर हो जाता है तो क्या होता है, बीमारी जल्दी लगती है, लग भी जाती जल्दी जाती नहीं है। कहते हैं ना रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर। अच्छा कोरोना में कौन कौन बचा, जिनको कोरोना हुआ उसमें बचे कौन? अच्छा धनी लोग बचे, विद्वान लोग बचे, अच्छा डॉक्टर लोग बचे, क्या बचा कौन? जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, सही है ना, जिसका रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक थी। इसी प्रकार दुख प्रतिरोधक क्षमता, समस्याओं से लड़ने की क्षमता, वो कहां से है? शरीर बल से नहीं, आत्मबल। वो आत्मबल बढ़ाना है, वो मनोबल बढ़ाना है, और उसके लिए हम खुराक दे ही नहीं रहे हैं। वो खुराक हमें चाहिए, वो खुराक हमें अच्छे विचार, हमारे लिए हमारे अच्छे विचार जो हम ग्रहण करते हैं वो उसे शक्ति देता है। और दिखने वाली चीजों से कई बार न दिखने वाली चीजें हमारे लिए ज्यादा आवश्यक हो जाती हैं। कई बार आप कहेंगे भोजन तो सबसे बड़ी आवश्यकता है, मैं मानता हूं इस चीज को, भोजन के बिना जीवन नहीं चलेगा, ये भी सच है। लेकिन केवल भोजन, भोजन कैसा हो? कई बार आप देखेंगे इसके महत्व को, मैं इसको ले इस ढंग से बताऊं। एक आदमी काम करके लौटा, काम करके लौटा, भूख लगी थी, स्वाभाविक सी बात है, मेहनत करके आया है, भूख लगी है। और जैसे वो घर के अंदर आया तो गृहिणी से, अपनी जीवन साथी धर्म पत्नी से, उन्होंने कहा मुझे भूख लगी है, जल्दी भोजन दो। और अंदर सुनती है श्रीमती, लेकिन वो क्या कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब वो क्या समझा आदमी की, शायद वो सुन नहीं पाई होगी, तभी तो बोल रही मुझे भूख लगी और क्या कह रही है, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तो थोड़ा से लाउडली आवाज बढ़ा करके बोला, अरे मुझे भूख लगी है, भोजन दो। अब उसने भी आवाज बढ़ाकर कहना शुरू किया, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अब तो बहुत कम लोग हैं ना जो संभाल पाएंगे अपने को, सही है, कितने लोग संभाल पाएंगे, फायर हो जाएंगे। कहे मुझे भूख लगी है और प्रेम प्रेम रट रही है। और वो चिल्लाया, मारो गोली तुम्हारे प्रेम पर, मुझे भोजन दो। वो सुन लेती है, ठीक है प्रेम पर गोली मारो, तो क्या करती है, किचन में जाती है, थाली कटोरी रख करके भोजन सजा देती है और ले जा करके उसके सामने पटक देती, ले खाओ। अच्छा स्वाद आएगा नहीं भोजन में? अच्छा बताएं आप लोग, ये लोग तो क्या बताएंगे, स्वाद आएगा क्या लगता है आपको? एक रिक्शा वाले से भी पूछो ना तो क्या कहता है, वह भैया इज्जत की दो रोटी चाहिए, समझ रहे हैं ना, रोटी तो चाहिए लेकिन सम्मान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, स्वाद उसी मिलता है। कोई अपमानित करके भोजन दे वो फिर हम देखो खा तो लेंगे, कभी मजबूरी में अंग नहीं लगेगा, सच तो ये है अंग नहीं लगेगा। प्रेम पूर्वक बनाया हुआ भोजन, प्रेम और आदर पूर्वक दिया हुआ भोजन, वही हमारे शरीर में लग पाता है। तृष्कृत उच्छिष्ट भोजन नहीं, हम नहीं चाहते। हम मनुष्य है ना, सम्मानित जीवन जीना चाहते हैं। मैं सच बताऊं, एक भूख सबके अंदर है, सबके अंदर ना, ये नहीं कि आप नीचे बैठे हैं उनके अंदर, यहां से वहां तक के, वहां तक के, बताओ कौन सी भूख है, सम्मान पाने की। क्या मैं गलत कह रहा हूं? सबके अंदर है, सब चाहते हैं मैं सराहा जाऊं, मेरी प्रशंसा हो, मुझे लोग जाने, प्रशंसा। तो फिर वो चीज कहां से, कौन देगा? दिखाई नहीं दे रही है, दिखाई नहीं दे रही। मैं इसको और थोड़ा सा क्लियरिफाई करूं, आपको भोजन में कितना समय लगता है, भोजन करने में जरा ख्याल करिए,
भोजन आप, अच्छा ये भी पूछना पड़ेगा, कितनी बार, कितने बार भोजन करते हैं बताओ? इधर तो कहेंगे 5-6 बार भी खा लेते हैं, जब भी बीच में अवसर मिला बस इनपुट करते चले गए। लेकिन रियल क्या है, सुबह दोपहर शाम, सही है ना? चलो भाई ठीक है, सुबह ब्रेकफास्ट कर लिए, लंच हो गया, डिनर हो गया, हम लोग थोड़ा सा उसको दूसरे ढंग से कहते हैं जलपान भोजन, रात्रि का भोजन, ये हो गया। तो वो तीन समय जो आप भोजन करते हैं उसमें समय कितना लगता है? अच्छा मान लो जोड़ना है, सुविधा पूर्ण हो तो 20-20 मिनट तीनों को दे देते हैं, ठीक है 20-20 मिनट, कितने लगे? एक घंटा, 60 मिनट ना, 60 मिनट चाहिए आपको भोजन के लिए, 23 घंटा में कितने घंटे? एक घंटा, बाकी समय कोई जरूरत नहीं। अच्छा प्रेम कितने घंटे चाहिए? एक घंटा प्रेम, बाकी समय लड़ाई झगड़ा चलेगा। विश्वास कितने घंटे चाहिए आप बताइए, समझ रहे ना उसके महत्व को? लेकिन सच क्या है, जितना हम दिखाई देने वाली चीजों के लिए मेहनत करते हैं, क्या हम उसके लिए भी मेहनत करते हैं? नहीं करते हैं, वो अपने आप आने वाला नहीं है। प्रेम कहीं ऐसे थोड़ी कि कहीं से आ जाए। मैं कल ही शायद मैंने वो बातें कही थी, कबीर साहब की पंक्ति, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रुचे, शीश दिए ले जाए। आप पैसे से प्रेम नहीं खरीद सकते हैं, पैसे से विश्वास नहीं खरीद सकते हैं। ये सब चीजें, वही चीजें आप खरीद सकते हैं जो दिखाई देती हैं, जो दिखाई नहीं देती, जो सचमुच हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है वो दिखाई नहीं देता है, और उसको हम बाहर से खरीद भी नहीं सकते हैं। जीवन की चीजें जीवन में ही आपको विकसित करनी होती है। इसका मतलब प्रेम ऐसा नहीं कि कहीं बाहर है। अच्छा तो कहाँ है फिर? न तो दुकान में है, न तो खेत में है, बाहर नहीं है तो है कहाँ? सबके भीतर है। अच्छा सबके भीतर है, लेकिन क्या उसका फायदा मिल रहा है? फायदा मिल रहा है। देखिए मैंने कहा था ना, हर आदमी के भीतर में योग्यता है, हर आदमी के भीतर में, लेकिन उस योग्यता का इस्तेमाल, हम सबके भीतर योग्यता है, किसकी योग्यता है? प्रेम करने की योग्यता है, क्षमा करने की योग्यता है, विनम्रता की योग्यता है, धैर्य की योग्यता है, सहनशीलता की योग्यता है, सहयोग करने की योग्यता है कि नहीं? आदर करने की योग्यता है योग्यता, लेकिन उस योग्यता का उपयोग जब आप नहीं करेंगे तो आपके जीवन में वह उपयोगी नहीं होगा। इसलिए क्या करना है, उसका उपयोग, सबसे बड़ी बात यह है, वो शक्ति है, शक्ति का उद्घाटन। कल मैं थोड़ा संकेत भी किया था, सक्रिय कर दो उसको, सक्रिय कर दो, बार बार प्रयोग करो इस चीज को, बार बार, जितनी बार आप करते हैं उतनी उसकी शक्ति बढ़ती चली जाती है। तो प्रेम सबके भीतर है, तो क्या करना है उसको? उसको बोना है, बढ़ाने का मतलब उसको, जैसे आप धान बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करते हैं? खेत में बो देते हैं, थोड़ा बोते ज्यादा पाते हैं, यही तो नियम है ना। और जो देते हैं वो लूटते हैं, सीधी सी बात है, जो बोओगे वो कटोगे। अब यहाँ पर बात यह है कि प्रेम को बोना है, विश्वास को बोना है, तब तो बढ़े हमारे जीवन में, और तब उसका हमें लाभ भी मिले। सम्मान को बोना है, कैसे बोए, कहाँ बोए? खेत में बो नहीं सकते। देखिए ये जीवन का मसला है, जीवन का मामला है, जीवन का बीज जीवन में ही बोया जाता है, वो खेत का नहीं है। जीवन का बीज जीवन में ही बोया जाता है, कैसे? ये सूत्र जिसको कई बार मैंने आप लोगों के बीच कहा है, दूसरों के जीवन में जो आप बोते हैं उसे अपने जीवन में काटते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं ना, बहुत महत्वपूर्ण ये वाक्य है, मुझे पसंद है इसलिए मैं दोहरा रहा हूं। दूसरों के जीवन में जो हम बोते हैं वही हम अपने जीवन में काटते हैं। थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, एनालिस्ट मतलब भीतर थोड़ा झांकना है, मैं क्या बो रहा हूं दूसरों को, मतलब समझ रहे ना,
आपके से अलग, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, पिता हो, पुत्र हो, भाई हो, सास हो, बहू हो, पड़ोसी हो, सहकर्मी हो, जहां आप काम करते हैं, ऐसे जो भी मिले दूसरों के जीवन में, जो आप बोते हैं अपने जीवन में काटते हैं। जो बीज आप खेत में बोते हैं क्या करते हैं, उसी की फसल काटते हैं। आप यदि क्रोध का बीज बोएंगे, कौन सी फसल काटेंगे? क्रोध की फसल काटेंगे। अच्छा, क्या नियम मैं बना रहा हूं? अच्छा, कबीर साहब बनाए हैं? आप बताओ मुझे, ये कुदरत का संदेश है? कुदरत जीवन का नियम है, जीवन का नियम है, जीवन का। इसीलिए मैं कल सुबह, आज ही सुबह सत्र में कहा था, जीवन की पोथी पढ़ो, जीवन की पोथी पढ़ो, ये शाश्वत नियम है। ये केवल पोथी पढ़ने से नहीं है, जीवन में प्रयोग की जरूरत है। दूसरों के जीवन में जो बोते हैं, क्रोध बोते हैं, क्रोध की फसल, नफरत बोएंगे, नफरत की फसल काटेंगे, द्वेष और घृणा बोएंगे, ईर्ष्या बोएंगे, उसी की फसल आप जीवन में काटते जाएंगे। मनुष्य भूल चूक कर सकता है, प्रकृति कभी भी भूल नहीं करती, बिल्कुल एक्सेक्ट जो है वो लौट आती है, जो है वो लौट आती है। बीज खेत में पड़े रहते हैं, अनुकूल मौसम आने पर वो उग जाते हैं और दिखाई देने लगते हैं। इसी प्रकार हमने जो किया, हम भूल जाते हैं, प्राय भूल क्या जाते हैं। कई बार लोगों के जीवन में जब तकलीफ आती थी, मैंने तो कभी किसी के साथ तो ऐसा किया नहीं, मैं सच बताऊं। अच्छा, कहां से आ रहा है फिर, कहां से आ रहा है? जब आप बीज बोते हैं ना, और जब फसल काट, उसके बीच में एक लंबा समय होता है ना, भूल ही जाते हैं कि हाँ पहले ऐसा हुआ होगा मेरे द्वारा, होता है। और बहुत सी बातें हैं। अच्छा, आप कहेंगे मैं तो शरीर से कुछ किया नहीं। अच्छा, कई बार तो शब्दों से नहीं बोलते हैं, भीतर वाला क्या कह रहा है? साहब, ये अलग से सेशन की जरूरत है, मन के लिए अलग से सेशन की जरूरत है। कितना वर्क करता है ये मन हमारा, विचार बहुत ज्यादा चुपचाप हैं, और अंदर अंदर में ऐसी ऐसी बातें सोच रहे हैं, वो सोच सोच करके अपना भयंकर नुकसान कर रहे हैं। आप सोचिए, आप अकेले बैठे हैं, किसी के लिए नफरत कर रहे हैं, किसी की याद आई, किसी ने आपको नुकसान किया हो, किसी ने कुछ भी किया हो, अपमान किया हो, कुछ भी किया हो, अब जैसे याद आई, अब उसके लिए बदले का भाव जग रहा है, द्वेष का भाव जग रहा है, नफरत का भाव जग रहा है। आप जानते हैं कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं आप द्वेष करके? द्वेष करके कभी भी प्रगति संभव नहीं है। होता क्या है, जनरली आजकल जो गाड़ियां चली ना इलेक्ट्रिक, जो जैसे छोटी छोटी दो पहिए की गाड़ी चलती, एक्टिवा है, प्लेजर है, आजकल जो चली नहीं है, उसमें क्या होता है जनरली, एक हाथ में ब्रेक और दूसरे हाथ में एक्सीलरेटर होता है, होता है। आप क्या कर रहे हैं, गाड़ी को स्टार्ट किए, ब्रेक को जोर से दबाए हैं, और इधर से एक्सीलरेटर को आप घुमा रहे हैं। अच्छा, गाड़ी आगे बढ़ेगी? गाड़ी बढ़ेगी नहीं। अच्छा, इंजन को नुकसान होगा? जरूर होगा। क्या हो रहा है जनरली, हम इधर कह रहे हैं मैं तो स्वाध्याय करता हूँ, मैं सत्संग करता हूँ, मैं भजन करता हूँ, मैं तीर्थों में घूम के आया हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ। प्रश्न यह है, वो क्या है? सब एक्सीलरेटर है। ब्रेक छोड़े कि नहीं छोड़े हैं? ब्रेक छोड़े कि नहीं छोड़े हैं? द्वेष जब तक रहेगा वो है ब्रेक। द्वेष जो है ना, वो कभी भी नफरत से नफरत कभी नहीं जाता है, वैर से वैर कभी समाप्त नहीं होता है। ये तथागत बुद्ध ने भी कहा है, सब लोग कहते हैं, न ही वैरेन वैरानी संबंधित कुदाचनम अवैरेन अवैरेन च संबंधि एस धम्मो सनंतन। तो वैर से वैर कभी नहीं मिटता है, प्रेम से मिटता है, क्षमा से मिटती है, गम से मिटता है, वैर से नहीं मिटता है। इसलिए वैर पाल करके कभी आप प्रसन्न हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। तो क्या करना है? वही जो मैंने कहा, आपको उसको नहीं, उसके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव जगाओ। आप प्रेम और मैत्री का भाव जगाते जगाते आप खुश रहेंगे और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप इसको जगा कर देखिए, करुणा को जगा के देखिए, कोई नुकसान नहीं। ये कहा भी गया है, इट कास्ट नथिंग टू बी काइंड,
कोई भी कास्ट, कोई भी मूल्य चुकाना नहीं पड़ता है। आप जब कृपालु करुणा वाले हो जाते हैं, किसी के प्रति करुणा करते हैं, प्रेम करते हैं, थोड़ा भी खर्च नहीं करना पड़ता है। करके तो देखो, नहीं करेंगे तो कैसे काम बनेगा। फिर एकदम रोना रोते क्या बताएं, हमारे जीवन में दुख है, क्या बताएं, संघर्ष है, बीमारी है, ये है, वो है। अरे भी बीज बो रहे हो, बीज बो रहे हो। मैंने क्या कहा, दूसरों के जीवन में जो बोते हैं अपने जीवन में काटते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अब तो पता चला कि बहुत सारे बीज हम बो ही चुके हैं, अब पता चल रहा है अब क्या करें। कल बताया भी था, जिस फसल को काट रहे हो यदि उसे पसंद नहीं करते, उस बीज की जांच कर लो जिसे बोने जा रहे हो। बस उसकी जांच कर लो, फिर से तो ऐसा बीज नहीं है। अच्छा, फिर से क्रोध नहीं कर रहे हो, फिर से नफरत तो नहीं कर रहे हो, बदल दो उसको। बस जैसे बदले वहां से रिजल्ट बदल जाएगा, रिजल्ट बदल जाएगा। ये बदलाव जब तक नहीं करेंगे, मैं फिर से कह रहा हूं, सुबह के सत्र में भी कहा था, पूजा पाठ से जीवन नहीं बदलेगा, तंत्र मंत्र से जीवन नहीं बदलेगा। ये हम लोग जो कपड़ा पहन लिए सफेद, क्या कहते हैं, ऐसे जीवन बदल गया? मेरी बात तो माने, ईमानदारी से कह रहा हूं, कपड़े से नहीं बदलता है। अच्छा, आप लोग कहेंगे नहीं जी बदल जाता है, मैं एक प्रयोग बताता हूँ। सफेद कपड़ा कहीं भी मिल जाएगा ना, अच्छा ना मिले मेरे पास आ जाना, मैं दे दूंगा, ठीक है। और कमरे अपना घर में ले जाना, एक कमरे में 2-3 घंटे के लिए सफेद कपड़ा पहन के बैठे रहना, आपको लगे कि मैं बदल गया। कभी नहीं होता है। आप कब बदलेंगे, हम कब बदलेंगे, जब हम स्वयं बदलेंगे। आप बदलेंगे तभी जीवन बदलेगा। और आपको बदलने का मतलब मैंने बताया, आपका सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, करने का तरीका, यही तो बदलना है। तो बात यहां पर थी, मैं जो कह रहा था वो क्या है, परस्पर प्रेम, इसकी जरूरत है हमें। अच्छा, प्रेम है क्या चीज, जरा सोचे, प्रेम है क्या चीज, प्रेम क्या है? एक पौधे की तरह होता है, जैसे पौधा होता है ना, पौधे को सींचते जाओ सींचते जाओ तो हरा भरा रहता है, और जैसे ही पौधे को सींचना बंद करो वो कुम्हलाने लगता है, मुरझाने लगता है। क्या करना है, पौधे को सींचना है, प्रेम को भी सींचना है। सींचते रहो सींचते रहो, नहीं तो फिर प्रेम भी कुम्हलाने लगता है, मुरझाने लगता है। कैसे पता चले कि प्रेम मुरझा रहा है, कैसे पता चलेगा, कहां से पता चलेगा ये? देखो, मैं कई बार कहा, जीवन आपको इंडिकेट करता है, संकेत करता है, वो सब बता रहा है। आप पढ़, इसलिए कहा ना पोथी, जीवन की पोथी पढ़ना सीखो, वो बता रहा है। कैसे पता चलेगा कि जीवन प्रेम सूख रहा है, बिल्कुल साफ है, जब आपस की हंसी चली जाती है, बातचीत कम होने लगती है, ये समझ लो प्रेम मुरझा रहा है। सींचो, वहीं पर जरूरत है, फिर से पुनर्स्थापना। जब पति और पत्नी आपस में हंस हंस के बातें करते हैं, पिता पुत्र हंस हंस के बातें करते हैं, भाई भाई सास बहू जब आपस में हंस हंस के बातें कर रहे हैं ना, प्रेम की धारा बह रही है, वहां फ्लो है, समझ रहे हैं ना। और जहां गए घर ऐसा पॉइंट टू पॉइंट बात होती, अच्छा कहां गए थे, क्या हुआ, खत्म, वार्ता का विषय ही खत्म हो गया इतनी जल्दी। आप ख्याल करिए, शुरू शुरू में जब शादी हुई रही होगी, शादी, अब मैं क्या कहूँ, शादी की आदत भूल जाना चाहिए, जब वो इंगेजमेंट होता है ना, उसी समय मोबाइल का आदान प्रदान हो जाता है। शादी के पहले दोनों में इतनी वार्ता हो जाती है, शादी के बाद में सोचते क्या बात करें, अब तो होता है क्या बात करें, सब बातें खत्म हो गई है, जो भी करने थी बातें पूरी हो गई है, अब क्या होगा, अब तो केवल आगे वाले बच्चा है, थोड़ा सा टकराए वाला, नहीं ये मत करो। वार्ता का विषय खत्म ही नहीं होता है, जहां प्रेम होता है वहां, और जहां थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थिति बनी, बचना चाहते हैं, हर कोई बचना चाहता है, सही है ना, बचना चाहते हैं। आपको पता चल गया कुछ तो है मिसिंग लिंक, कहीं तो प्रेम सूख रहा है, अब सींचना है इसको, अब सींचना है। अच्छा, ये प्रश्न आता है, अच्छा सींचने का क्या मतलब है, एक एक चीज को समझे, सींचने का क्या मतलब है। सींचने का मतलब होता है आपके द्वारा कुछ ऐसा व्यवहार हो, चाहे
उनके से उनसे बात करके, उनको समय दे करके, उनको कुछ सामान दे करके, उनके अच्छे कामों की प्रशंसा करके, वादा करके निभा करके, वादा करो और निभा दो। ये सारी चीजें जितनी आप करते हैं उस पर ट्रस्ट विश्वास करके, जितना विश्वास उनके प्रति करते हैं, ये क्या है? सीचना। ये सीचना जब आप ये काम करते हैं और सामने वाले को महसूस कराते हैं मेरी उपस्थिति इनको पसंद है, या आप कहते हैं मैं आपको पसंद करता हूं, आप रहते हैं मेरे साथ अच्छा लगता है, और क्या कहते हैं समय समय बीच बीच में एक शब्द भी बोलते हैं, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। अच्छा बोलते भी नहीं है ना। अच्छा क्यों नहीं बोलते हैं? आप लोग ख्याल करिए, अपने धर्म पत्नी से इसके पहले कभी जीवन में, कभी इसके पहले कितने साल पहले बोले हैं कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ? नहीं बोलेंगे, है ना? नहीं बोलेंगे। अच्छा क्यों? लाज लगती है। अच्छा डांटने में लाज नहीं लगती है? डांटने में लाज नहीं लगती है? अरे भाई सही बात है ना, प्रेम करना कोई गलत है क्या? भाई उसी के लिए शादी करके लाए हैं। अच्छा मैं एक सच्ची घटना बताता हूँ। WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वो शायद 20 साल से ज्यादा हो गया ना, वहां पर हमला हुआ था, वो हवाई जहाज के माध्यम से उसको टकराया गया था, और वहां वो कितना है 100 मंजिल से भी ज्यादा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बहुत प्रसिद्ध है ना, पुराने लोग सब जानते हैं। अमेरिका में एक बिल्डिंग जिसको ध्वस्त कर दिए थे आतंकवादी, और लादेन, अब नामे ले दो, अब तो साफ है, लादेन कह लो ना, लादेन कह लो, वो सही है। तो उसने ऐसा करवाया था। मैं बताना क्या चाहता हूं, जब वहां रहने वालों को पता चला अब बिल्डिंग जल रही है और हम में से कोई बचने वाला नहीं है, तब क्या हुआ? और जब पूरी तरह वो खत्म हो गया ना, उसके बाद में क्या हुआ है? वहां म्यूजियम बनाया गया है, कुछ वहां की खास वस्तुओं को कलेक्ट करके, कलेक्शन किया गया, वहां रखा गया है, और एक विशेष चीज, वहां लोग उस समय अंतिम की जो आवाज थी ना, आवाज उसको रिकॉर्डेड करके वहां पर रखा गया है, लोग जाकर के सुनते थे क्या आवाज बोल रहे थे। ये महत्वपूर्ण है जो मैं बताना चाहता हूँ। क्या होता था फिर उससे, जानते हो? रिकॉर्डिंग को सुनकर जिसने सुना उसने बताया, स्पीच दिया उसे, मैंने सुना उसको, क्या कहा? फोन लगाए। किसको लगाए फोन? अपनों को, समझ रहे ना? क्योंकि पता नहीं वो अलग है, कहीं अलग है, पत्नी अलग है या पति अलग है, भाई अलग है, पिता अलग है, पुत्र अलग है, माँ अलग है, कहीं फोन लगाए अपने को। और उस फोन में क्या आपको लगता था वो शिकायत करते रहे होंगे, शिकायत किए होंगे? शिकायत नहीं। अच्छा क्या वो लोग बहुत ही अपने धन दौलत के बारे में चर्चा किए होंगे? बिल्कुल नहीं। जो अंतिम अंतिम में चर्चा होती थी आपस में, क्या कहते थे? सचमुच आपको जो समय देना चाहिए था वो मैं दे नहीं पाया, पिता से कह रहा मैं आपको समय नहीं दे पाया, और मेरे भीतर में तो था आपके प्रति प्रेम का भाव, लेकिन कभी मैं प्रकट नहीं कर पाया, प्रकट नहीं कर पाया उस चीज को। ये टीस अंदर में ऐसी चीजें थी जो अब सोच रहे कितना रो रहे हैं उस समय, और वो आवाज भेज रहे हैं, और क्या मुझे क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई। सोच रहे कितनी आवाज दर्द भरी, और उनको पता है कि वो अंतिम स्थिति आने वाली है। ये सारी चीजों को लेकर के आपस में रो रहे थे ना, वो किसी बंटवारे की चर्चा करते थे ना धन दौलत की चर्चा करते थे, यही कि हम आपके साथ में सही ढंग से जीवन नहीं बिता पाए, ये मुझे अफसोस है। और जो तीन शब्द जो ज्यादातर बोली गई, तीन वो बातें बाहर रही, तीन वाक्य, क्या? मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और सॉरी क्षमा करें, और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, क्षमा करता हूँ, और तीसरी बात थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। ये शब्द जोड़ो। जब आपको अच्छा लगता है किसी का काम, धन्यवाद कहो, धन्यवाद। एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है हम लोगों से, इसको मैं इस ढंग से बताता हूँ, भावनात्मक अकाउंट। अकाउंट समझ रहे हैं? सभी समझेंगे अकाउंट। एक लेखक हुए हैं स्टीफन आर कवी, द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, अति प्रभावकारी लोगों की सात आदतें, उसमें यह बात आई है, उसमें बात आई थी, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, कोई भी पढ़ सकता है,
भावनात्मक अकाउंट के विषय में उन्होंने बताया है। जैसे आप जो भी आप जमा करते हैं सेविंग अकाउंट में, वही आप विड्रॉल करते हैं, वही विड्रॉल करते हैं। क्या आपने भावनाओं के अकाउंट में अच्छी बातें, सकारात्मक बातें आपने जमा की है? अर्थात किसी के दिल में आपने ऐसा जगह बनाई है, ऐसा डिपॉजिट किया है। मैंने कहा ना, सींचने का मतलब वही है। जब आप उनके कामों की प्रशंसा करते हैं, जब उनके पास समय देते हैं, बैठने के लिए तो समय देते हैं। देखिए एक चीज बताता हूं मैं, आप किसी को गिफ्ट देते हैं, कपड़ा देते हैं, या फिर जेवर देते हैं, या फिर कोई खाने पीने की चीजें देते हैं, आप क्या दे रहे हैं पता है? आप अपने कमाई का हिस्सा दे रहे हैं, सही है ना? कमाई का हिस्सा दे रहे हैं। लेकिन जब आप उनके पास में आधा घंटा, एक घंटा बैठ करके समय देते हैं, आप क्या समझ रहे हैं? ये आपने जीवन का हिस्सा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? क्या उनके पास यही है डिपॉजिट? जब कोई अच्छा काम करे प्रशंसा, कोई गलती हो गई क्षमा, ये डिपॉजिट, ये डिपॉजिट है, ये डिपॉजिट है। वादा कर दिए निभा दिए, ये डिपॉजिट है, ये डिपॉजिट। यही विश्वास करना उनके प्रति, ये डिपॉजिट है। लेकिन विड्रॉल क्या है? जब आप डांटते हैं, सही है ना, जब उनकी आलोचना करते हैं, उनकी गलतियों पर, ये क्या है? विड्रॉल करना है। कहीं ऐसा ना हो आप डिपॉजिट से ज्यादा विड्रॉल करते, और ज्यादातर लोग करते हैं, ज्यादातर लोग करते हैं। वो अकाउंट ही खाली है। अब बताओ, आपके बैंक में 50,000 रुपया है और आपने चेक कितने काट दिया? 75,000। क्या होगा? आप समझ गए ना, क्लेम बनता है। यही तो कर रहे हैं। रोज अच्छा भोजन बनाती है देवियां, रोज प्रशंसा होती है? नहीं, उनका तो काम है बनाना, काम ही है बना, क्यों नहीं बनाए? ठीक है, लेकिन जब कभी भोजन में कोई त्रुटि हो गई, तब डांटने के लिए भी आपको कहना चाहिए ना, भाई उनसे गलती हो सकती। नहीं, तुरंत डांटने लग जाते हैं। मैं एक सूत्र बताऊं, किसी की अच्छे कामों की यदि आपने प्रशंसा नहीं की है, तो उनके गलतियों पर डांटने का अधिकार आपको है ही नहीं। इस भेद को समझें। किसी के अच्छे कामों को की प्रशंसा आपने नहीं की, आपके ही बच्चे हैं, उनके छोटे छोटे काम की प्रशंसा करिए। जब वो गलती करे तो जरूर बोलो इस चीज को, ऐसा नहीं कि नहीं बोलना है, लेकिन क्या आपने उसकी प्रशंसा किया? क्या आपने जगह बनाई है अपने उनके दिल पे? उनके दिल पे जगह बनाए आप, डिपॉजिट किए हैं कि केवल विड्रॉल विड्रॉल चल रहा है? बहुत नुकसान करता है केवल डांट फटकार। और ये सब जहां पिता हो जाते हैं बच्चों को, वो डांट फटकार वो समझते ही है। थोड़ा डांट फटकार के रखो, अच्छा ये नहीं कहते प्रेम से रखो, कितना आप डांटेंगे? मैं नहीं कह रहा हूँ कि जरूरत पड़ने पर न डांटे। देखिए बच्चे अच्छा करें तो जरूर बोलो, लेकिन गलती करें, गलती करें, जब अच्छा करें, आपका बेटा है सीने से लगाओ, लेकिन जब गलती करें थोड़ा कोहनी से भी मारने की हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। ऐसा नहीं कि हर समय उनको बिगाड़ते रहो, कुछ भी हो, हर काम में गलत हो, प्रश्न तो नहीं, अच्छा वो तो अमुक चीज खाता है गुटका उटका, अरे ठीक है ना, आजकल के बच्चे थोड़ा बहुत कभी कभी खा ही लेते हैं, अच्छा अमुक वो गलती कर रहा है, अरे नहीं जी वो नहीं करता है। आप जितना बच्चों की सपोर्ट करेंगे गलत ढंग से, वो बिगड़ते चले जाएंगे। आप उनको जरूर बताइए इस चीज को। मैं इसके लिए एक उदाहरण बताया करता हूँ, घटना दिल्ली में। एक दरवाजे पर, घर पर ऐसे खटखट की आवाज आई, रात में 12 बज गए थे। खुला, मालिक, मकान मालिक उठा और उठ कर कहा कि भाई कौन दरवाजा खटखटा रहा है? तो 12 से ज्यादा बज गए थे, आधी रात से ज्यादा हो गया था समय। खोला दरवाजा, देखा पुलिस अफसर और कई सिपाही खड़े हैं। अरे क्यों आए आप हमारे यहाँ? उन्होंने एक फोटो दिखाया, आप इसे जानते हैं? हाँ, ये मेरा बेटा है, हम उसे गिरफ्तार करने आए। अच्छा क्या बात है? फिर बताया कि ये कुछ वहाँ इंडिया गेट के पास में कुछ लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे लोग, और भी लोग थे, और हम गिरफ्तार करने। अच्छा ठीक है, रुको मैं आता हूँ। गया, लड़का सो रहा था, जगाया, जगाया और पूछा, अच्छा तुमने क्या हरकत की है? अब चूंकि इतना सभ्य घर था, वो सिर झुका करके चुपचाप खड़ा रहा, कोई उत्तर नहीं दिया। पिता समझ गए इसने जरूर गलती की है। आया पुलिस से कहती है, कहता है कि मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लो। वो गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, फिर उन्हें जो अफसर था पुलिस का, बड़ा अधिकारी, उनको कहा सुनिए इधर आइए, थोड़ा सा 5,000 रुपया निकाले।
और 5000 रुपया निकाल कर क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं, 5000 रुपया आपको मैं दे रहा हूं मेरे बेटे की ठीक से पिटाई करना ताकि ये फिर कभी जीवन में किसी लड़की को छेड़ना सदा के लिए भूल जाए। मैंने क्या कहा, सबक सिखाना भी जरूरी है। और हम लोग क्या करते बताऊं, 5000 नहीं 10000 रुपए दे मेरे बेटे को छोड़ दो। क्या मैं सच कह रहा हूं, क्या सिखा रहे हैं आप, क्या संस्कार दे रहे हैं अपने बच्चों को, उनको अच्छे संस्कार देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। किसी ने कहा ना कि बच्चे को खिलौना न दो कुछ देर तक रोएगा, और संस्कार न दो जीवन भर रोएगा। ये दायित्व है, ये तो अलग ही विषय है। ये कहना कि भाई बच्चों को संस्कार कहां से शुरू करें, कहां से शुरू करें उनको, उनकी शिक्षा कहां से हो, ये गुरुदेव जी कहा करते थे। किसी ने पूछा बच्चे की शिक्षा कब से प्रारंभ हो, क्या उत्तर दिया, बच्चे के जन्म से 20 साल पहले। क्या कहा, उसने कहा 20 साल पहले, अभी बच्चा ही जन्म नहीं लिया कैसे शिक्षा दें। उत्तर देने वाले ने क्या कहा, जो युवक और युवती जैसा बच्चा चाहते हैं 20 साल पहले से अपने आप को निर्मित करना शुरू कर दें, बनाना शुरू कर दें। जैसा सांचा होगा ईंट भी तो वैसी बनेगी। आप कैसे बना रहे हैं, आपका बोलने का ढंग, आपका व्यवहार करने का ढंग, बड़ों के साथ, घर वालों के साथ में, जो आपसे बड़े हैं, छोटे हैं, कैसे बिहेव करते हैं। अच्छा आप मेहमान आते हैं फिर कैसे करते हैं। जनरली होता क्या है, मेहमान आएंगे तो बड़े स्वागत वागत, और जैसे कहेंगे उसकी बुराई, क्या पहले पता चला वो क्यों आ रहा है, क्या है। भोजन में मेहमान कुछ आए हुए थे घर में, सब बैठे थे। 4 साल का पप्पू राजू आया और मेहमानों को देखते हुए कहते हैं, तो आप लोग क्या है, मरने के लिए आए हैं क्या अंकल, ये चौक है, चौक है क्या कर रहे। और दादी ने कहा चुप चुप बेकार की बातें करते कैसे बोल रहे हो तुम। अरे मुझे क्या पता, सुबह ही तो मम्मी कह रही थी, मुझे पता होता कि ये लोग यही मरने आकर मरेंगे तो मैं छुट्टी कहीं अलग चली जाती। होता है ना, अब बेचारा हो क्या, वो तो जो है बता दिया, वो क्या संस्कार दे रहे हैं। यदि आपके शब्द ही गलत निकलते हैं, आपके शब्द में कटुता है, क्रोध है, रिकॉर्डिंग हो रही, वो भी सेविंग अकाउंट है, समझ लीजिए, उसको भी कहते हैं बच्चे का मतलब डिपॉजिट, और वही वो लौटाने वाले हैं आपके बुढ़ापे में, जो आप जमा करेंगे वो लौटाएंगे। क्या उसको आपने विनम्रता का पाठ पढ़ाया है, सहनशीलता का पाठ पढ़ाया है, किसी के सहयोग के। आजकल स्कूल से आएंगे, आज क्या पढ़े, क्या हुआ। आप कभी अपने बच्चों से पूछिए, आज बेटा किसी का सहयोग किए, किसी का सहयोग किए, किसी को कुछ हेल्प हुआ, कुछ अच्छा हुआ आपके द्वारा, जरा बताओ। ह्यूमन बीइंग, उसको आप विकसित किस लिए कर रहे हैं, एक अच्छा इंसान बने। केवल ऐसा नहीं कि पढ़ लिख करके केवल मार्क्स आ जाए, बस इतना ही नहीं है, और यदि मिल जाए तो पढ़ रहे हैं, बच्चों को पूछता हूँ क्यों पढ़ रहे हैं, बस इसी के लिए ना, नौकरी पाने के लिए। नौकरी पाने का मतलब यह होता है आप केवल यही पैसा बनाने की मशीन बनना चाहते हैं। आदमी तो बनो कम से कम, रिश्ता तो निभाना जानो, नहीं तो कैसे बनेगा। ऐसे में कि आप केवल बहुत सारी बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, बड़ी गाड़ी आ गई, आपस में कला है, संघर्ष है, और बिल्कुल डिप्रेस रहते हैं हमेशा, कोई बात करे तो वो प्रहार करते हैं। ये क्या है अग्रेसिव रवैया, क्यों क्यों नहीं सिखाए विनम्रता को, क्यों सेवा भावी नहीं सिखाए। आपको सिखाना होगा, क्योंकि वही आपके आगे चल करके काम आने वाले हैं। इसलिए बहुत जरूरी है उन बच्चों को कैसे सिखाना, कैसे उनके सामने लड़ रहे पति और पत्नी। आप जानते हैं कितना बड़ा नुकसान करते हैं उनका, जब पति और पत्नी लड़ते हैं, माता पिता लड़के को देख करके बच्चे कहते हैं, बच्चे को क्या सबसे बड़ी समस्या होती है। मैं बताऊं, मैंने कई पुस्तकें पढ़ी इस विषय को लेकर के, बच्चों के पालन पोषण कैसे कैसे कर दे। एक कार्यक्रम मैंने सुना था, सक्सेसफुल पेरेंटिंग, पहले वो डीवीडी चलता ना साहब, मैं कितने पैसे में उसको खरीद करके पूरा बकायदा सुना, सक्सेसफुल पेरेंटिंग। अब आप कहेंगे आपके तो बच्चे नहीं है, क्यों, आपको क्या जरूरत है पेरेंटिंग के बारे में। मैंने कहा आप लोगों को बताना है मुझे, क्योंकि आप लोग उसको पढ़ते नहीं है, जानते ही नहीं है। केवल बच्चा पैदा कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, कैसे पालन पोषण करते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। जब से वो गर्भ में आए कैसे, जब वो बाहर आए तो कैसे, कैसे बिहेव करना है उनके साथ, कैसे शब्दों को उच्चारण करना। आप गालियां दे रहे हैं,
अच्छा छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे शब्द हैं जो बड़े कामन लगते हैं लोगों को, कहते नहीं कहते, घर में ही देखो वो साले कहीं का, ये साले कहीं का, होते रहता है। अब उनको लगता भी नहीं कि गलत भी है, नहीं लगता, सामान्य बातें लगती है। हे भगवान, आपको पता है आपके पीछे एक आ रही है और लाइन में पीछे खड़े हैं, कोई आ रहा है आपके पीछे पीछे, वो सब सुन रहा है और वो सब रिकॉर्डिंग हो रही है, और वो भी सीख गया, वो भी साले साले कहना सीख गया। ऐसा संजो कि उसके घर संत लोग आते थे, साहेब लोग जाते थे, साहेब लोग गए, एक जने एक संत गए और वो स्कूल गया हुआ था बच्चा, और खा पी करके आराम करने लग गया। शाम को आया 4-5 बजे, छोटा बच्चा, माँ ने कहा बेटा गुरुजी आए हैं, फूल तोड़ के ले आओ और जाकर के गुरुजी की बंदगी कर लो, प्रणाम कर लो। वो गया, फूल तोड़ा, गया कमरे में, ऐसा संजोग जो महात्मा जी थे, संत थे, वो बाथरूम वगैरह कहीं गए होंगे, अनुपस्थित थे कमरे में। अब वो बच्चा क्या कह रहा है, ये साले गुरुजी पता नहीं कहाँ चल दिखते हैं, बंदगी करने गया था, है नहीं है। अच्छा, वो जन्म से सीखा है, जन्म से सीखा है। किसने रिकॉर्डिंग करवाया? आपने, सही है, आपने। आप गलत शब्द बोलेंगे वो सोख ले, स्पंज की तरह होता है, स्पंज की तरह, स्पंज जैसे पानी में रखो पानी सोख लेगा, दूध में रखो दूध, स्याही रखो स्याही सोख लेगा, हर स्पंज की तरह हम होते हैं, आसपास के व्यवहार को हम सोखते चले जाते हैं। गलत आदर्श न दिखाओ, सही रोल मॉडल, सही तरीका बताओ, सही तरीका जीने का बताओ। तो मैं ये कह रहा था प्रेम, आप ध्यान दीजिए, आपके बच्चे आपके समान होना चाहें। मैं एक चीज बताऊं आपको, आपके बच्चे, वक्ता है बहुत अच्छा बोलते थे, उन्होंने कहा एक काम करना, अपने घर में जाना और जो आज जो सफल लोग हैं ना, सक्सेसफुल जो लोग सक्सेस हैं, चाहे वो मोदी कह लो, अमिताभ बच्चन कह लो, तेंदुलकर कह लो, लता मंगेशकर, जो भी नाम आजकल आप लोग जानते हैं, वो सबको फोटो रख लेना और एक फोटो अपना भी रख लेना, और अपना बेटे को या बेटी को बुला कर रहना। अच्छा बताओ, इन सब में से किसकी तरह होना चाहते हो, किस किस तरह होना चाहते हो? अच्छा, कोई है, कोई होगा जो कहेगा आपकी तरह, आपके फोटो की इशारा करेगा? नहीं। अच्छा, क्यों नहीं कर, समझ रहे ना बात, थोड़ा थोड़ा नुकीला प्रश्न तो है, थोड़ा कठिन है ये बड़ा कठिन होगा, क्यों नहीं आपकी तरह क्यों नहीं होना चाहते हैं? आप कुछ ऐसा जीवन जिए, बच्चे कहे नहीं मैं अपने पिता की तरह, मैं क्योंकि ऐसा मैं जीना चाहता हूं। एक उदाहरण ख्याल आया, एक संत सच्ची घटना बता रहे थे कि कमरे में बैठे, कमरे का मतलब हाल था, वहां बैठे हुए थे और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। इतने में संत ने कहा, अच्छे बताओ आपके घर के बच्चे क्या आपको पसंद करते हैं? कठिन है ना मामला, आपको पसंद करते हैं, अर्थात आपकी तरह जीवन जीना चाहते हैं, आपको पसंद कर रहे हैं? सबके सब चुप, चुप, कोई उत्तर नहीं। 15 दिन के बाद, 15 या 20 दिन के बाद एक व्यक्ति आया उस संत के पास में और कहा, महाराज जी, आज से 15-20 दिन पहले आपने एक प्रश्न पूछा था सबसे, क्या आपके बच्चे आपको पसंद करते हैं, आप उनको अच्छे लगते हैं आप? उस दिन तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आज कुछ कहने आया हूं। मेरी एक बेटी है, शादी के लायक हो गई है और उनके लिए मुझे पति ढूंढना था, वर, इधर तो उल्टा है ना, पत्नी मतलब वधू कहने की, जीवन साथी लड़के पक्ष के लोग जाते हैं और वहाँ थोड़ा उधर है दूसरा मामला कि वो लड़की पक्ष के लोग लड़का ढूंढने जाते हैं। तो मुझे अपनी बेटी के लिए साथी खोजना था, अर्थात दबांग मुझे चाह जाना था खोजने के लिए। फिर मैंने बेटी से पूछ लिया, बेटी ये बताओ तुम्हें कैसा साथी चाहिए, धनवान चाहिए, रूपवान चाहिए या विद्वान चाहिए? अब ऐसी स्थिति में बेटी क्या उत्तर दे? उसने कहा, पिताजी आपका विषय है, आपका विषय, जैसे चाहे वैसे आप चुनाव करें, लेकिन फिर भी आपने पूछा तो चाहे वो विद्वान हो, चाहे धनवान हो, चाहे रूपवान हो, मैं चाहती हूँ वो अच्छा स्वभाव वाला हो। क्या कहा? अच्छा स्वभाव वाला हो। मैं असमंजस में पड़ा, अच्छा स्वभाव का क्या मतलब? मैंने बेटी से पूछा, अच्छा बेटी अच्छा स्वभाव का क्या मतलब है? उसने क्या कहा? पिताजी जैसे आपका स्वभाव है, जैसे आपका स्वभाव। और तब मुझे ये महसूस हुआ, बच्चे मेरे मुझे पसंद करते हैं, मेरा अनुसरण करना चाहते हैं। क्या आप ये आदर्श बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं? आपकी जिम्मेदारी है, आपकी।
इसलिए ये ध्यान रखो कि बच्चों को सही संस्कार दें। और जो मैं कह रहा था प्रेम के बारे में, प्रेम और विश्वास ये जगाओ, ये जरूरी है। प्रेम और विश्वास को आप देखो, ईंट को जोड़ते हैं ना दीवार बनाने के लिए, बीच में क्या लगाते हैं, गारा, किसका, बालू और सीमेंट का। ऐसे ही मनुष्यों को जोड़ने वाला गारा प्रेम और विश्वास। जैसे ही सीमेंट कमजोर होता है ईंटें बिखरने लगती हैं, और जहां प्रेम और विश्वास कम हुआ तब भाई भाई साथ में, एक भाई कहता नहीं मैं अलग रहूंगा भैया, अच्छा क्या भोजन नहीं मिल रहा है, क्या कपड़े नहीं मिल रहे हैं, प्रेम कमजोर हो गया है। मैंने कहा ना इसके लिए फिर से सींचो, फिर से प्रयास करो। ठीक है कभी अलग होना भी गलत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेम बाद में भी बना रहे, ऐसा नहीं कि नफरत और द्वेष होने लग जाए, नहीं अलग हो करके भी प्रेम का प्रवाह बना रहे। प्रेम है क्या चीज, क्या यही है जिसको कबीर साहब जी ने कहा ढाई आकर प्रेम का, क्या यही है एक दूसरे के रूप सौंदर्य को देख करके मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, यही है प्रेम। क्या कहें कबीर साहब जी, प्रेम का अर्थ क्या है, प्रेम का मतलब है दूसरे के हित की चिंता। ये सूत्र याद रखो, दूसरे के हित की चिंता, अर्थात पति ये चिंता कर रहा है मैं ऐसा कौन सा काम करूं, ऐसा कौन सा व्यवहार करूं जिससे मैं अपनी पत्नी को अधिक से अधिक आराम दे सकूं और अधिक से अधिक प्रसन्नता दे सकूं। अच्छा पत्नी भी सोच रही है मैं ऐसा कौन सा व्यवहार करूं जिससे मैं अपने पति अर्थात जीवन साथी को अधिक से अधिक प्रसन्नता दे सकूं और उन्हें आराम दे सकूं। चिंता, पति चिंता कर रही है पत्नी की, पत्नी चिंता कर रही है पति की, पिता पुत्र सास बहू, क्या होगा, प्रेम पनपेगा, विकसित होगा, वही संबंध मजबूत रहेगा। इसलिए आप किसी को घर वालों को सामान दे दो, साड़ी दे दो, गहना दे दो, लेकिन उनके बारे में गलत सोच रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। पत्नी को आपने बहुत सारा सामान दिया लेकिन उनके बारे में दुर्भावना है, नफरत है, आपको क्या लगता है खुश हो जाएगी, आपको खुश हो जाएगी, नहीं होगी भाई, आप समझ रहे हैं ना। ये जो भावनात्मक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है इसकी जो फ्रीक्वेंसी ना विचारों से भी बढ़कर है, एक होता है विचार, एक होता है हमारी भावना। विचार निकलता है, विचार आते हैं मस्तिष्क से और भावनाएं उत्पन्न होती हृदय से। तो विचारों को तो हम शब्दों के माध्यम से भेज देते हैं लेकिन भावनाओं को, भावनाओं के लिए शब्द नहीं होते हैं, इसलिए हृदय की आवाज निकलती है और सीधे हृदय तक जाती है, सीधे हृदय तक जाती है, और उसकी गति विचारों से ज्यादा तेज है। विचारों से मैं बोल रहा हूं या बाद में सुनेंगे, मेरी भावना को आप पहले पकड़ देंगे, इतनी तेज होती है इसकी जो फील्ड है, कितने सौ 500 से भी ज्यादा इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा तेज है इसकी, बहुत गति है। जैसे कहते हैं ना विद्युत की गति, प्रकाश की गति, ये समझ लो ऐसे ही है अंतर इसमें, इतने अंतर है। कैसे, आपके घर कोई मेहमान आया, अच्छा मेहमान का मतलब जो मैं कह रहा हूँ अनवांटेड गेस्ट, अनवांटेड गेस्ट वह गेस्ट, वह मेहमान जिसको आप पसंद नहीं कर रहे हैं आ रहा है, अच्छा दरवाजे की मर्यादा रखनी पड़ेगी ना, आप क्या कहेंगे, आइए आइए बैठिए बैठिए, क्या कह रहे हैं शब्द से, शब्द क्या कह रहा है, मुंह क्या कह रहा है, आइए बैठिए, भीतर क्या कह रहा है, ये बदमाश क्यों आ गया, समझ रहे ना। तो वो जो आइए कह रहे हैं ना बैठिए, वो बाद में पहुंचेगा, और आप जो भीतर बोल रहे हैं वो पहले पहुंचेगा। आपके चेहरे को देखकर जान जाएगा मेरा आना इनको पसंद नहीं है। एक मेहमान समझ सकता है, पत्नी नहीं समझेगी, पति नहीं समझेंगे, साथ साथ इतना रहते हैं एक दूसरे के, मैं बताऊं वो चेहरा देख के जान जाएंगे, चेहरा बोलता बोलता है कि नहीं बोलता, चेहरा बताओ, अच्छा आंख बोलती है, जरा बताओ आंख बोलती कि नहीं बोलती है, सब समझ रहे हैं ना, आंखों से कैसी कितनी बातें होती है। एक होता है वर्बल लैंग्वेज और दूसरा होता है बॉडी लैंग्वेज, जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, ये लैंग्वेज वर्बल लैंग्वेज जिसे कहा जाता है, एक है बॉडी लैंग्वेज देह भाषा, शरीर की भाषा, वो क्या है आंख, आंख से आप बोलते हैं दुनिया। एक लेखक नेपोलियन हिल उसने लिखा है, दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपकी आंख के रास्ते से आपके दिल तक पहुंच जाते हैं और वहां सर्वाधिक छिपे हुए विचार को पढ़ लेते हैं। अच्छा एक शब्द सुने होंगे आप लोग, कुदृष्टि,
पढ़े सुने नहीं है, मतलब उनकी आंख उसमें सही नहीं है, उसकी आंख सही नहीं है। अच्छा, आंखों को पढ़ने की क्षमता किसमें ज्यादा है? इन देवियों में। मैं नमन करता हूं, सबसे ज्यादा किसी की आंख देखकर जान जाती है इनकी आंख में या तो प्रेम है कि वासना है, क्या है वो देख के जान जाती है। यदि उनके सामने आपके विकार है भीतर का, वो प्रकट हो जाएगा आंखों से, और क्या कहेंगी, उनकी आंख ठीक नहीं है उस आदमी की। मैंने सुना इस चीज को, गुरुदेव जी के पास बता रहे थे एक आदमी कैसा वो गया, और वहां घर की महिलाओं ने कहा कि उनकी आंख ठीक नहीं है। एक बार और किसी ने कहा था मुझे, मैंने कहा कमाल है। और फिर पढ़ा इन बातों को मैंने पुस्तकों में, मैंने कहा वाह क्या मैच किया है एक दूसरे की बात, कहां लिखने सात समुंदर पार किसी लेखक ने लिखा, और मैंने सुना इस चीज को आंखों को देख करके। आंख इसलिए अंतस, आंख आत्मा की खिड़की है। आंख क्या है? आत्मा की खिड़की, वो सब संदेश जा रहा है। संभाल के रखो भीतर को अंतस कैसा है, नहीं तो बाहर निकल रहा है। किसके माध्यम से? आंख के माध्यम से। किसके माध्यम से? चेहरे के माध्यम से। आपका चेहरा प्रकट कर देगा। आप छुपाओ, नहीं छुपा सकते, नहीं छुपा सकते। कहा है ना, फिल्म वाले लोग गीत गाते हैं, लाख छिपाए छिप नहीं सकता, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। छुपाओगे कहाँ जाओगे, वो निकल जाएगा चेहरा से, वो दिखेगा चेहरा। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये कुछ तो है दाल में काला, कुछ बातें हैं जो छिपाई जा रही है। इसलिए क्या करना है, वो कहां से निकल रहा है? अंतस। शुरू से कह रहा हूं ना, किसकी शुद्धि? अंतस। शब्द बदलने की कोई जरूरत नहीं है, अंतस, क्योंकि वहीं से आ रहा है, वहीं से। क्या प्रेम है पत्नी के प्रति? फिर आप सामान्य सामान दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि उनके प्रति नफरत है, द्वेष है, घृणा है, कोई काम नहीं आएगा। समान हमेशा ध्यान रखो, कोई काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा? आप भीतर से क्या भेज रहे हैं, वस्तु क्या दे रहे हैं, ये सब सेकेंडरी है। भीतर से क्या भेज रहे हैं, हित की चिंता है, उनके प्रति अच्छा भाव है। इसलिए अंतस को ठीक करिए सबके प्रति। यही होता है ना सास बहु में भी, दूसरे से हमेशा फड़फड़ाते रहते थे, अब क्या हो रहा है, अंदर बड़बड़ बड़बड़ चल रहा है उनके प्रति, विरोध विरोध विरोध, वापस वापस जो आपने भेजा वही वापस आता है। वो प्रेम का भाव, आप अपने बहू के प्रति प्रेम प्रदर्शित करेंगे वो लौटाएगी, सास के प्रति करेंगे वो लौटाएगी। नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं? अच्छा मान लो सामने वाला नहीं समझ रहा, आप तो अपने प्रयास करिए इस चीज को, फिर आएगा वापस। बंजर भूमि को भी कमाई करनी पड़ती है, सही है कि नहीं? आजकल उसमें भी पैदावारी हो जाती है, कुछ तो करो इसके काम के लिए। लेकिन मान लो सामने वाला नहीं भी बदलते, आपको तो लगेगा संतुष्टि होगी, कम से कम मैंने तो अपने आप को बर्बाद नहीं किया ना उसके चलते, मैंने तो ठीक किया ना अपने आप को। इसलिए बहुत जरूरी है परस्पर का प्रेम और वस्तु और व्यक्ति। ध्यान दो, वस्तु का महत्व नहीं है, महत्व है व्यक्ति का। गुरुदेव जी कहा करते थे, धन धन नहीं है, जन धन है। धन धन नहीं है, धन कहीं कम ज्यादा हो, छूट जाए, टूट जाए, खराब हो जाए, कोई बात नहीं है। जन तो ठीक है ना, अपनों तो ठीक है ना, ये ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखो, वो ठीक होना चाहिए, उसको नुकसान ना हो, उसके प्रति प्रेम हो तो कभी भी उसके लिए फर्क नहीं पड़ेगा। एक धनी आदमी, बहुत धनी आदमी, पत्नी के जन्मदिन पर एक कार गिफ्ट ले आया वो, और उनको एक चाबी सौंपते हुए कहा, आपके जन्मदिन के अवसर पर आपको एक कार भेंट करता हूँ। पत्नी खुश हो गई, वाह क्या बात है, और धन्यवाद देती है। और क्या फिर वो पति ने क्या कहा, मैं बच्चों को संभालता हूँ कुछ देर के लिए, नई गाड़ी है थोड़ा से घूम के आ जाओ। उसने कहा बिल्कुल, चाबी लेती है, पार्किंग से गाड़ी निकालती है और चली जाती है रनवे में, दूर तक चली गई, लौट रही थी। क्या हुआ, जो डिवाइडर होता है ना बीच में, सड़कों के बीच में, वहां पर उसकी कार टकरा गई। अब एकदम डैमेज सामने से, उसने कहा उफ, आज भी शोरूम से आज गाड़ी आई है, गाड़ी की स्थिति बिल्कुल, आंखें से आंसू निकलने लग गए। इतने में ट्रैफिक पुलिस आ गई, मैडम आप अपना कागज दिखाइए, गाड़ी का भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। तो क्या हुआ, सामने से वो जो डिक्की नहीं रहता सामने कार में, उसको खोलती है, एक ब्राउन कलर का लिफाफा निकला, उसने उल्टा, जिसमें उसके सारे कागजात थे गाड़ी इत्यादि के, और जब उलटते हैं कागज के साथ में एक छोटा सा स्लिप कागज निकला, और उसका पति का लिखा हुआ था हाथ से। क्या लिखा था? पत्नी के लिए प्रिय,
गाड़ी को कुछ हो जाए तो चिंता मत करना, मैं गाड़ी से नहीं तुमसे प्रेम करता हूँ। अब क्या बीता होगा, क्या बीता, समझ रहे ना इस बात को, किसका महत्व है, व्यक्ति का महत्व है। ऐसा नहीं कोई सामान टूट के चिल्ला रहे हैं, और ज्यादातर तो ये पुराने जो है ना थोड़ा सा सास बनी हुई है ना, इनको बहुत चिल्लाने की आदत बन जाती है। एक घर था, बैठक में पिता और पुत्र बैठे हुए थे, दोनों किचन से किसी सामान के गिरने और टूटने की आवाज आई। तो पिता ने कहा, देखो बेटा अंदर भी किसके हाथ से सामान गिरा टूटा है। कहे पिताजी मैं यहीं से बता देता हूँ। यहीं से बता दोगे, संजय हो क्या जो महाभारत दूसरे दूर से बता दिया। अरे नहीं, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। हुआ क्या, ये सामान माँ के हाथ से गिरा है। अरे कैसी बात करते हो, बिल्कुल सरल है। अच्छा नौकर को भेजा, ओ जाकर पता लगाओ तो किसके। तो उसने कहा हाँ वो जो सेठानी है ना उन्हीं खास से गिरा है सामान। आश्चर्य, अरे तुम जाने कैसे। बड़ा सरल है पापा जानना, सामान गिरने की आवाज आई लेकिन मम्मी की आवाज नहीं आई। यदि आपकी बहू के हाथ से गिरता ना तो तत्क्षण उसके मम्मी की आवाज आने लगती, पता ही चल गया ना। ये कॉमन सेंस है। वस्तु के महत्व को आप दे रहे हैं, व्यक्ति के महत्व को दो। आपको चोट नहीं लगी ना, कोई बात नहीं है, वस्तु आएगी फिर चली जाएगी, चली गई फिर आ जाएगी। प्रेम तब होता है, सींचना पड़ता है प्रेम को, यूं ही नहीं पनपता है। रिश्तों में मधुरता त्याग चाहिए। अवगुणे देख रहे हो, नहीं अच्छी गुणों को देखो, देखो जीवन कितना सुंदर बनता चला जाए। ये जो रिश्तों में मधुरता होती है आपस में, प्रेम विश्वास। एक चीज और बता दूं फिर बंद करूं, गलतियां सबसे होती है, गलतियां सबसे होती है। अच्छा एक कोई आदमी कोई हो, आप लोग हाथ उठाएं जो ये कहे कि मेरे से जीवन में कभी गलती हुई ही नहीं है, क्या कभी नहीं होगी। नहीं मैं तो नहीं उठा सकता, मैं नहीं उठा सकता, और शायद आप लोग भी नहीं उठा रहे हैं। अच्छा गलती हो जाती है तो क्या चाहते हैं, एक चीज चाहते हैं, मेरी गलती को लोग क्षमा कर दे, चाहते हैं गलती को क्षमा कर दी जाए। अच्छा दूसरा क्या चाहता होगा, वो भी तो चाहता है भाई, तो क्या करना चाहिए, अपनी गलती पर हमें क्षमा मिल जाए और दूसरे की गलती पर दंड मिले। होता है ना, होता है, हमारी गलती पर तो हमें क्षमा मिल जाए लेकिन उसकी गलती पर नहीं, उसको सजा देनी ही चाहिए। एक चीज बताता हूं मैं फिर से, जो कहा अभी थोड़ी देर पहले, दूसरों की गलती को क्षमा नहीं किए आप कभी, तो आप कभी अपनी गलती पर क्षमा पाने के अधिकारी है ही नहीं है। क्या आपने बीज बोया क्षमा करके, क्या बीज बोए दूसरों की गलती को क्षमा किए, वो बीज बोए रहेंगे तो आपकी गलती पर भी क्षमा मिलने वाली है। एक कदम आगे, कई बार अपनी गलती हो क्षमा मांग लो, दूसरों की गलती हो क्षमा कर दो, लेकिन कई बार अपनी गलती न भी हो तो भी क्षमा मांग लो। क्या कह रहा हूं पता है ना, क्यों महत्व, गलती के विश्लेषण करना कोई जरूरी नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है, आपस के रिश्ते। क्षमा मांगने का यह अर्थ नहीं होता है कि मैं गलत वो सही, इसका अर्थ है मुझ में उनसे रिश्ते निभाने की काबिलियत ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि रिश्तों में मधुरता रहे, कोई बात नहीं गलती ठीक है मेरी है उनकी, कोई डजंट मैटर, क्या है संबंध बढ़िया रहे, बस मांग लो क्षमा, झुकने का नाम नहीं। कहीं गलती हो गई क्या सबसे बड़ी गलती करते हैं, बंद बोलना ही बंद होता है ना, जैसे कुछ खटपट हुआ नहीं बोलेंगे, दोनों मुंह फुलाए हैं, अब वाह क्या बात है। अच्छा जब मैं कई बार पूछता हूँ लोगों से, अच्छा सात फेरा करते समय क्या संकल्प लिए थे क्या, ऐसा करेंगे कह के, नहीं लिए थे ना, फिर काहे का झंझट कर रहे हो, नहीं अरे भाई बोलना बोलना क्यों बंद कर दिए आप, अरे हो गई ना गलती, कहो ना सॉरी, ठीक है भाई छोड़ दे इन सब चीजों को कह करके, नहीं उसको याद रखे, मैं क्यों क्षमा मांगू, मैं पति हूँ, मैं पति परमेश्वर हूँ ना। अच्छा अच्छा किस मामले में आप परमेश्वर हैं जरा बताएं, क्या है विशेषता, है योग्यता परमेश्वर बनने की, आप ही क्षमा मांग लीजिए ना, झुक जाइए, झुकने वाला बड़ा होता है, जो तराजू का पल्ला झुकता है वही में ज्यादा समान होता है, और जो ऊपर चला गया वो आप झुकिए,
आप पिता है, कोई बात नहीं, झुक जाइए बेटे के सामने, गलती है, कोई बात नहीं, ठीक है, मेरी गलती हो गई बेटे, कोई बात नहीं। देखो कितनी जल्दी रिलेशनशिप में फिर से वापस वो दरार है ना, फिर से भरने लग जाती है, फिर से। ऐसे ही सास बहू किसी भी रिश्ते में मांग लो क्षमा, कोई दिक्कत नहीं, बोलती बंद मत करो, बोलो हमेशा वापस में, नहीं तो क्या होता है, पति पत्नी घर में है, सब एक ही घर में रहेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। अच्छा एक ही घर, एक ही कमरे में रहेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, एक ही कमरा मत कहो, एक ही बिस्तर पर सोएंगे ना, एक पूरब तरफ मुंह फुलाए, दूसरा पश्चिम तरफ मुंह फुलाए, इससे बड़ा नरक है कोई? यही तो नरक है। बात करो, बात करो। पति पत्नी बहुत दिन से बात नहीं कर रहे थे, पति समझ रहा था बड़ा झंझट है, कैसे बात की शुरुआत करे, समझ नहीं आ रहा है, ये तो ठीक ही नहीं लग रहा है। एक दिन करीब 11:30 बजे रात में खाट के नीचे कुछ ढूंढने लगा, वो खटपट खटपट होने लगा। अब पत्नी सोई थी ऊपर, उसकी भी नींद खुल गई। अब थोड़ा से 10-15 मिनट तो सब्र करती है, ठीक है जो भी करें, अब फिर भी उसे खटर पटर बंद नहीं हुआ तो बड़ा परेशान हो गई। फिर उसने जोर से पूछती, जोर से, क्या खोज रहे हो? पति ने कहा, बस मिल गया, मिल गया, मिल गया। अरे क्या मिल गया? अरे तुम्हारी आवाज खोज रहा था। वो मिल गई, क्या दिक्कत है ऐसे मुझे करने? कोई बात नहीं, कोई तरीका तो अपनाओ भाई, कोई तो तरीका अपनाओ वापस आने के लिए, सही है नहीं? एक पति और पत्नी दोनों बहुत प्रेम से रहते थे, हुआ क्या, आपस में किसी बात को लेकर के खटपट हो गए। अच्छा बिना सोचे समझे कई बार ऐसे ऐसे निर्णय ले लेते हैं, बिल्कुल गलत होता है, और दोनों बस बढ़ता गया, बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते क्या कह डाले, हो जाए तलाक। हाँ हो जाए तलाक, जोश में होश तो रहता नहीं है, कुछ देर के बाद ठंडा आया, तो बड़ा गड़बड़ हो गया, अब क्या करें? अखे तलाक, देखो तलाक तब होगा, देखो थोड़ा सा आपको कर रहे हैं, तलाक तलाक तब होगा जब हमारी, देखो ना गमला रखा है ना कमरे में, कमरे के उस पर बाहर में वो गमले का जो पौधा है ना, जिस दिन सूख जाएगा उसी दिन तलाक ले लेंगे, ठीक है भाई? तो दोनों ने तय किया कि भाई जब तक वो सूखेगा नहीं, हरा रहेगा, तब तक हम लोग तलाक नहीं लेंगे। अब क्या हुआ, रात में पत्नी उठती, रात में पत्नी उठती थी, रात में आधी रात से ज्यादा समय, और चुपके से पानी डाल देती थी ताकि सूखने ना पाए, क्योंकि तलाक जैसे कोई बात नहीं, बेकार की बातें, बढ़ गई बतंगड़। फिर एक दिन पति भी यही करता था, रात में उठता था और पानी डाल देता था, ऐसा संजोग दोनों एक दिन उठे और पानी डाल रहे थे, वहीं टकरा गए। कहा ये, फिर बहुत रोए, क्या हम लोग नादानी कर रहे थे, ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे, यदि गलती हो भी जाए कोई बात नहीं, छोड़ दो, रात गई बात गई, पकड़ के मत बैठे रहो, आज की बात को कर कैरी फॉरवर्ड मत करो अगले दिन के लिए, वहीं खत्म, क्षमा कर दो, बात खत्म हो गई। इसलिए ये जब काम करते हैं तो फिर अच्छा ऐसा करेंगे तो रिश्तों में मधुरता होगी कि नहीं होगी, मैं पूछ रहा हूँ, होगी कि नहीं होगी? संबंध अच्छे होंगे, आपस में प्रेम होगा, और जहां पर घर का वातावरण स्वर्गमय है वहीं पर आत्मा और परमात्मा की चर्चा भी संभव है, वहीं संभव है, क्योंकि अब भूमि तैयार है, अब भूमि तैयार है, अब बीज बो, बस अब बीज बो, अब सत्य का बीज बो, भक्ति का बीज बो, परमात्मा का बीज बो, आत्मा का बीज बो, और ये चूंकि आपने अपने भीतर को कमाई कर ली है, पारिवारिक कमाई कर ली है, तो निश्चित रूप से वहां पर अंकुर फूटने वाले हैं। तो इस प्रकार कुछ बातें मैंने आप लोगों के बीच रखी। आज मैंने शुरू में क्या कहा, कुछ चीजें हैं जो दिखाई देती हैं और कुछ ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देती, और दोनों की आवश्यकता है। केवल दिखाई देने वाली चीजों को के लिए हम मेहनत ना करें, सोचे कि ये हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा, बहुत सारा धन आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, मकान बन जाएगा, कीमती कपड़े हो जाएंगे, प्रेम भी आ जाएगा, नहीं आता भाई, विश्वास भी आएगा, नहीं आता है, विश्वास को बनाए रखना पड़ता है, और कई बार तो प्रेम से भी बढ़ के विश्वास होता है। विश्वास करो, पति कहीं भी है मैं विश्वास करती हूँ, वो बिल्कुल सही है, मैं विश्वास करती हूँ। इसी प्रकार पति विश्वास करे, पत्नी कोई बात नहीं, मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ अपनी पत्नी के लिए, वो बिल्कुल सही कर रही है। ये जो विश्वास है ना, ये जो संदेश भेज रहे ना, मैसेज भीतर भीतर जो वाइब्रेशन डाल रहे ना, ये इतना मधुर बनाता है रिश्तों को, बहुत ये बहुत जरूरी है। एक दूसरे के हित की चिंता करें, और जब ऐसा करेंगे और बच्चों को अच्छे संस्कार दें, गलती होने पर क्षमा मांग लो, दूसरों की गलती पर क्षमा कर दो, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसको जीवन में धारण कर लेते हैं तो हमारा जीवन सुंदर हो जाता है।
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ वही मैं कह रहा, ठीक है ठीक है। तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ, एक बात कहूँ मैं। हमारे श्री डोमलाल साहू जी जो बस समापन की ओर है, उनका सेवा कार्य बिल्कुल सेवानिवृत्त होने वाले हैं। और मेरे साथी जो विजय जी हैं, ये जो देख रहे हैं हमें से ना, सब हम लोग इलाहाबाद में साथ साथ रहने वालों में से हैं, यहाँ से वहाँ तक के। तो विजय जी साथ में हम लोग रहते थे, उनका फ़ोन गया कि साहब ऐसी ऐसी बात है और उनका कार्यक्रम होना है रिटायरमेंट के पहले। मैंने कहा ठीक है, फिर भी थोड़ा सा डिसमिस हो रहा था ऐसा कुछ, कल कर कांटा बैठ गया आया। और अब वो सेवा निवृत्त हो रहे हैं। मेरा उनसे बस एक ही अपील है, निवेदन है कि आप अभी तक परिवार के लिए, समाज के लिए, स्कूली बच्चों के लिए बहुत कुछ किए, अब जो समय बचा है खुद के लिए भी निकालें। निजी जीवन, अभी तक व्यवसायिक जीवन, पर अब खुद के लिए समय निकालें। अधिक से अधिक आप अपने समय को साधना, भजन, स्वाध्याय, इस प्रकार के धर्म चर्चा हो, इस प्रकार से लोगों को सही दिशा बताने के लिए, आपके ही पढ़ाई स्टूडेंट आते हों, आपके ही आसपास के स्टूडेंट्स हों, उनको सही दिशा निर्देश दें, अच्छा माहौल बनाने में सहयोग करें, तो आपका जीवन अच्छा होगा। और आप बहुत दिन तक काम किए, अब थोड़ा समय निकले, थोड़ा से संतों का आश्रम भी जाकर थोड़ा घूम टहल लें, सही है ना? बाद में समय पहले तो मिलता नहीं है, अब थोड़ा सा देख ले, चलते हैं भैया अमुक आश्रम थोड़ा घूम टहल आए, चलो वहां देख के आते हैं, वहां रहते हैं कुछ दिन। इस प्रकार जब करेंगे तो जो भी जीवन का हिस्सा बचा है, समय बचा है, उसका सही उपयोग करना शुरू कर दें। तो मास्टर साहब बड़े शालीन, बहुत विनम्र, और निश्चित रूप से आपकी प्रशंसा, आप सभी लोग जानते हैं, मेरे से संपर्क कम होता रहा, लेकिन जितना मैंने जाना उनमें विनम्र। सुबह ही जाते हैं हम लोग, जब जहाँ रहते हैं ना कमरे घर में, सुबह जाएंगे झाड़ू लगाने लगते हैं। मैंने कहा एक दिन हमारे साथी अरविंद जी ने कहा, उन्होंने कहा साहब लड़कियों को बुलाते, अरे बुलाने की जरूरत नहीं है, ये झाड़ू लगा देते हैं, हमारे साथी पोछा लगा देते हैं, सब कुछ वो भी सब काम कर लेते हैं। तो कितनी सरलता और विनम्रता है, जो किसी काम को भी वो छोटा नहीं मानते हैं, करने में संकोच नहीं करते। तो निश्चित रूप से उन्होंने मेहनत करके ये जो विकास किया है, धन का विकास, परिवार का विकास, मानसिक विकास, तो उनके लिए भी ढेर सारी शुभकामना है। जो अब जो निवृत्त परायण जीवन है वो सुखद हो, मंगलमय हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब गुरुदेव जी के आशीर्वचन से लाभ ले रहे थे। आप सब काफी सब्र, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब। गुरु जी ने मेरे निवेदन को स्वीकार करके उन्होंने यह जो अमूल अवसर प्रदान किए हैं, उनके लिए मैं गुरुदेव को प्रणाम करता हूं, साहिब बंदगी कहता हूं, और साथ में हमारे विजय साहेब जी हैं जिन्होंने, जिनके माध्यम से मुझे यह कार्यक्रम प्राप्त हुआ है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और सभी संत महापुरुषों ने मेरी साधवी बहन सुमन साहेब जी ने मेरे एक ही निवेदन को, थोड़ा समय ने उनको निवेदन किया, उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया तुरंत, और इस तरह से आज का यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। और आप सब लोगों ने इतनी भारी मेहनत का जो काम है, जो साल भर पूरे मेहनत किए हैं, उसका फल प्राप्त करने का दिन है, जिसमें आप लोगों ने अमूल्य समय निकाल कर मेरे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए, इनके लिए आप सबको मैं साहिब बंदगी करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सही बात है, शुरू शुरू में हमको लग रहा था कि अभी काम काज का इतना